नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार सुपर एमसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर बूटिंग सिस्टम का पार्ट टू यानी कि सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, सेशन टू। इससे पहले आपको हमने कंप्यूटर बूटिंग सिस्टम का 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, 1 से लेकर के 30 तक का। वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा जिसमें कि आपको इन सब सारे सवालों को आपको वहाँ पर करवाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब सारे सवालों को करवा दिए हैं, जिसको कि आप देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के पूरा जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये हर बार किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खास करके डाटा एंट्री ऑपरेटर हों या फिर एस्टेनोग्राफर हों, रेलवे, SSC, बैंकिंग, सभी सवालों में, सभी एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं बूटिंग सिस्टम से। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम 1 से शुरू करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा इसका। एक कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, या फिर एक कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, या फिर एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इन रूटीन्स, या फिर ऑल ऑफ द दीज। तो इसका जो सही आंसर है, एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स का सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है, VSAM फाइल का फाइल संघटक है, यानी कि इसका जो है आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे रिलेटिव रिकॉर्ड डाटा सेट है, या फिर कीड सिक्वेंशियल डाटा सेट है, या फिर इंट्री सिक्वेंशियल डाटा सेट है, या फिर उपर्युक्त सभी, बताइए। इसका सही होगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों, जो क्वेश्चन को डिटेल में बताने लायक रहेगा उसको हम डिटेल में बताएंगे भी, और जो लोग और जो क्वेश्चन को नॉर्मली चलने लायक रहेगा उसको हम यहाँ पे ऑप्शन आंसर क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सॉफ्टवेयर को दिया गया नाम क्या है जिसे कानूनी रूप से संकलित किया जा सकता है और अक्सर मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है, तो बताइए क्या है वो। तो यहाँ पे देखिए, शेयरवेयर प्रोग्राम, पब्लिक डोमेन प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर जो है पब्लिक डोमेन प्रोग्राम ही इसका सही आंसर है। हम आगे आते हैं अगला सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा ब्लॉक डिवाइस है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है ब्लॉक डिवाइस है? तो इसका आप देखिए, माउस, प्रिंटर, टर्मिनल्स, या फिर डिस्क, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, डिस्क जो है एक प्रकार का ब्लॉक डिवाइस है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में वो कौन सा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर को सरल बनाता है, यानी कि इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर को सरल बनाता है? स्प्रेडशीट, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, या फिर टाइम शेयरिंग, या फिर मल्टीटास्किंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है टाइम शेयरिंग, इसका सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है, मशीन भाषा की बजाय असेंबल भाषा का उपयोग करने के क्या लाभ हैं? यह निमोनिक और पढ़ने में आसान होता है, या फिर किसी भी प्रतीकात्मक पूर्ण नहीं संबोधित करता है, या कार्यक्रम के लिए डाटा का परिचय आसान है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो चारों हैं यहाँ पे इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आप नहीं जानते कि आप अपने कंप्यूटर में MS-DOS का कौन सा संस्करण यूज कर रहे हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे, यानी कि कैमा जो MS-DOS आप कौन सा यूज कर रहे हैं इसको पता करने के लिए क्या करना है? तो फॉर्मेट कमांड, DIR कमांड, या फिर VER कमांड, या फिर डिस्क कमांड। तो इसका जो सही आंसर है वो VER कमांड करेंगे आप, तभी आपको पता चल जाएगा कि आप DOS का जो कौन सा संस्करण यूज कर रहे हैं। हमारा अगला सवाल है, उन प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को प्रयोगों के योग्य बनाते हैं, उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर फर्मवेयर, या फिर शेयरवेयर। तो इसका सही आंसर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इसी के कारण जो यहाँ पे आप कंप्यूटर को प्रयोग करने योग्य बनाता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, यूनिक्स, या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बताइए। तो इसका सही आंसर है यूनिक्स, यूनिक्स जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पे यदि आप एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम निष्पादित करना चाहते हैं तो आपके द्वारा उपयोग किए गए जा रहे सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्षमता होनी चाहिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वर्ड प्रोसेसिंग होना चाहिए, वर्चुअल मेमोरी, कंपाइलिंग, या फिर मल्टीटास्किंग। तो हमारा आंसर से इसका सही आंसर जो है वो मल्टीटास्किंग होगा। चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे किसी रिसोर्स को समय के अनुसार अलग अलग प्रोग्राम में बांटा जाए तो वह क्या कहलाएगा, मल्टीटास्किंग कहलाएगा,
मल्टी यूज़र कहलाएगा, टाइम शेयरिंग कहलाएगा, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं कहलाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो कहलाएगा टाइम शेयरिंग। हम आगे चलते हैं। टाइम शेयरिंग का सिद्धांत है अधिक से अधिक यूजर डायरेक्ट कंप्यूटर से डाटा आदान प्रदान कर सके एवं प्रॉब्लम को हल कर सके, या फिर फाइल को विभक्त करना या विभाग करना, या फिर ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टाइम शेयरिंग का जो सिद्धांत है वो अधिक से अधिक यूजर डायरेक्ट कंप्यूटर से डाटा का आदान प्रदान कर सकता है एवं प्रॉब्लम को हल कर सकता है। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पे यूजर CUP पर आधारित होता है जिसमें कुछ समय निर्धारित होता है, वह समय जो है क्या कहलाता है? टाइम स्लाइन, मल्टी प्रोग्रामिंग, क्वेश्चन टाइम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है, टाइम शेयरिंग सिस्टम में जो यूजर सेंट्रल सिस्टम से डाटा आदान प्रदान करता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग, कन्वर्सेशनल कंप्यूटिंग, ए एवं बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ए एवं बी दोनों इसका सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है, एक प्रोसेस जब अधिक गति में डाटा या फाइल का लेन देन करता है तब सिस्टम अधिक प्रभावित रूप से कार्य करता है, यह क्या कहलाता है? तो बताइए, रियल टाइम सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो रियल टाइम सिस्टम इसका सही आंसर है। मगर आगे आते हैं, बूटिंग प्रोसेस का एक्सटेंशन नाम क्या है? बूटिंग का यहाँ पे एक्सटेंशन नेम बताना है आपको, CONFIC.SYS, या फिर command.com, या फिर AUTOEXE.BAT, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सवाल मैं पिछला वीडियो में भी आपको बताए थे, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे AUTOEXE.BAT, इसका सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है, command.com फाइल है, ये क्या, एक किस प्रकार का फाइल है? प्रोग्रामिंग फाइल है, हिडन फाइल है, या फिर एग्जीक्यूटिव फाइल है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो कमांड जो है एक प्रकार का प्रोग्राम फाइल है। हमारा अगला सवाल है, हिडन फाइल क्या है? IO.SYS, या फिर MS.SYS, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ए एवं बी दोनों। हमारा अगला सवाल है, बूटिंग प्रोसेस रन कराता है वो क्या रन कराता है? config.sys फाइल कराता है, या फिर AUTIEXEC.BAT फाइल, या फिर command.com। इसका जो सही आंसर है AUTIEXEC.BAT फाइल को ये बूटिंग प्रोसेस कर रन कराता है। यानी कि अभी पहले ही आपको बताया था कि बूटिंग का जो एक्सटेंशन है वो कुछ इस प्रकार का, तो यही BAT है। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस में कौन सी फाइल हार्डवेयर को चेक करती है? बताइए, कमांड फाइल, कमांड डॉट फाइल, config.sys, AUTOEXE.BAT, बताइए इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है CONFIG एंड configuration.sys, इसका सही आंसर है। हम आते हैं अगला सवाल पे, बूटिंग प्रोसेस में config.sys क्या प्रदान करता है? मेमोरी की खाली जगह, या फिर मेमोरी की भरी हुई जगह, या मेमोरी की फाइल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मेमोरी का जो खाली जगह होता है वो ये प्रदान करवाता है। हमारा अगला सवाल है, बूटिंग प्रोसेस कौन सी फाइल स्वतः रन कराता है? command.com, config.sys, AUTOEXE.BAT, या फिर IO.SYS। तो इसका सही आंसर बताइए 12 का होगा, AUTOEXE.BAT जो है बूटिंग प्रोसेस का फाइल स्वतः रन करवाता है। अगला सवाल है, बूटिंग प्रोसेस के दौरान कौन सी फाइल कमांड फाइल को संग्रहित करता है? command.com, config.sys, IOSYS, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है command.com। अगला है, यहाँ पे command.com को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है, कंसोल कमांड प्रोसेस कहा जाता है, इनमें से ये दोनों कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका जो सही आंसर है इनमें से दोनों को, ये सही है इसका सही आंसर, इन दोनों को कहा जाता है command.com। हमारा अगला है, को प्रोसेसर क्या है?
तो इसका देखिए आपको साथ में पता चल रहा होगा इसमें कि को प्रोसेसर यानी कि साथ देने वाला यानी कि सपोर्ट करने वाला। तो यह जो है सॉफ्टवेयर का आसान उपयोग के लिए सपोर्ट करता है या फिर सभी प्रोसेसर को बराबर फंक्शन सपोर्ट करता है या फिर किसी एप्लीकेशन के साथ कार्य कर सकता है या फिर सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह जो है सॉफ्टवेयर का एक आसान उपयोग करने के लिए सपोर्ट करता है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे देखिए क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयुक्त है। क्लाइंट सिस्टम के लिए यहाँ पे विंडो 98, विंडो NT, विंडो XP या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है विंडो XP जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे प्रयुक्त होता है। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के लिए विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम उपयुक्त है। हमारा अगला सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, मेमोरी प्रोसेस या फिर डिस्क एंड IO डिवाइस या फिर उपयुक्त में से सभी, बताइए। तो इसका सही आंसर बताइए मेमोरी प्रोसेस या फिर डिस्क एंड IO डिवाइस या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, BLMX, CTOS, CCP या फिर DOS, बताइए। इसका सही आंसर है DOS जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कहें या फिर 29 कहें, यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग को किस नाम से जाना जाता है, सीरियल सिक्वेंशियल या फिर ऑफलाइन प्रोसेसिंग या फिर उपर्युक्त सभी, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि बैच प्रोसेसिंग को सीरियल भी कहा जाता है, सिक्वेंशियल भी कहा जाता है या फिर ऑफलाइन प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है कंट्रोल सिस्टम के लैंग्वेज में लिखने के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए परमेटिव लैंग्वेज, सॉरी परमेटिव स्टेटमेंट, कोऑपरेटिव असेसमेंट या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे इसका सही आंसर है इनमें से किसी का यूज नहीं होता है। अगला है हमारा दोस्तों आज का सवाल जो है हमारा जो बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से था, सॉरी बूटिंग सिस्टम से हमारा जो क्वेश्चन था 60 क्वेश्चन वो आज कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको इसका PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ से आपको PDF डाउनलोड करने का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ना है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। या फिर अगर आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।